वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के शिक्षकों ने हुंकार भरते हुए अपनी 7 सूत्रीय मांगों के लिए ज्ञापन दिया है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विकासखंड सैया के बीआरसी तेहरा पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह के आह्वान पर पूरे देश में पुरानी पेंशन सहित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पत्र दिया गया। इसी कड़ी में आगरा ग्वालियर रोड स्थित बीआरसी तेहरा पर आंदोलन की कड़ी में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के हस्ताक्षर अभियान को चलाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कंसाना एवं प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजेश दीक्षित के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान में विकासखंड सैया में शनिवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र तेहरा पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली का मुख्य मांग रखी एवं शिक्षकों को बीएलओ सहित गैर शैक्षणिक कार्यों में मुक्त करते हुए 7 सूत्रीय मांगों के संबंध में विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। और देखिए किस प्रकार अध्यापकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें अध्यापक और अध्यापिकाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूलों में निरीक्षण के नाम पर जिस प्रकार सफाई कर्मचारियों से उनकी जांच कराई जाती है वो बेहद ख़राब है, और इसके लिए वह ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। यानी कि शिक्षकों का कहना है कि अभी वह ज्ञापन के माध्यम से अपनी 7 सूत्रीय मांगों की समस्याओं को लेकर जिला केंद्र एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और आपको बता दें खंड शिक्षा अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया है। देखिए किस प्रकार हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी हस्ताक्षर अभियान के तहत उन्होंने आज खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी सभी मांगों को विकास मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा, उन्हें बताया जाएगा और जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की बात कही है। जिसमें मुझे भी बुलाया गया और ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के मुख्य बिंदु ये हैं कि शिक्षकों में जो ओपीएस ओल्ड पेंशन व्यवस्था है उसको फिर से लागू किया जाए एनपीएस के स्थान पर, क्योंकि एनपीएस में शिक्षकों को अपना हित नज़र नहीं आता है। दूसरी चीज़, सीडीओ आगरा महोदय के द्वारा वर्तमान में सेक्रेटरी द्वारा, सफाई कर्मी द्वारा, ग्राम रोजगार सेवक द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। इससे सभी शिक्षक बड़े आक्रोशित हैं और उनका मानना है कि निरीक्षण सिर्फ जो इसके लिए अथॉराइज्ड पर्सन है खंड शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्हीं के द्वारा ही किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आपके द्वारा किस प्रकार का आश्वासन दिया गया? मैं इनके ज्ञापन को बीएसए साहब को फॉरवर्ड करूँगा और कोशिश करूँगा इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मैं जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद आगरा। आज किस तरीके की बैठक बीआरसी पर हुई? आज पूरे राष्ट्रीय लेवल पर संगठन के द्वारा पुरानी पेंशन की मांग के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो कई दिनों से लगातार चल रहा है। उसके अंतर्गत आज हस्ताक्षर अभियान के रूप में इसे आज आयोजित किया गया है। हाँ, उसमें हमने अपनी जो प्रमुख मांगे हैं 7 सूत्री मांगे हैं उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया है शासन को। ये काफ़ी दिनों से मांगे उठाए रहे हैं, पर ये मांगों को शासन के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अगर अभी ज्ञापन के माध्यम से दिया गया है, अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो आंदोलन को और वृहद स्तर पर ले जाया जाएगा। धन्यवाद। मैं ब्रजेश दीक्षित, जिला मंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद आगरा। आज ब्लॉक संसाधन केंद्र तेहरा सैया पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामपाल सिंह जी के आह्वान पर पूरे देश में प्रथम चरण में हर ब्लॉक पर हस्ताक्षर अभियान करते हुए हमारी पुरानी पेंशन योजना जो बंद कर दी गई है उसे बहाल करने हेतु मुख्य मांग रखी गई है। इसके अतिरिक्त हमारी 6 मांगें और हैं, जिसमें जो हमारे पैरा टीचर्स हैं, शिक्षा मित्र, उनका नियमितीकरण किया जाए। हम लोगों की जो वेतन आयोग की 7वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई है, विसंगतियाँ थी, उन्हें फिर पुनः उन्हें लगाया जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कारणों से मुक्ति प्रदान की जाए। साथ ही हमारे जनपद स्तर पर स्थिति ये है कि शिक्षक का पद एक सम्मान का पद होता है, लेकिन विद्यालयों में
संविदा कर्मचारियों के द्वारा, सफाई कर्मचारियों के द्वारा शिक्षकों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके साथ ज़बरदस्ती सेल्फी ली जाती है और उन्हें धमकाया जाता है कि यदि आपने हमारे साथ सेल्फी नहीं ली या अपनी जो उनकी मांगे हैं, जो भी उनकी गलत मांगे हैं उनको पूर्ण नहीं किया गया, तो हम तुम्हारी एब्सेंट लगा कर ये गलत रिपोर्ट भेज देंगे। कई जगह से हमें सूचनाएं मिली हैं। तो इन सब को लेकर के कि शिक्षकों के निरीक्षण किए जाएं, हम मने नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किए जाएं जो शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो निरीक्षण करता अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा निरीक्षण विद्यालयों कराया जाए। कुमार त्यागी, ब्लॉक मंत्री, प्रभु उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ आगरा। आज हमने जो है 7 सूत्री मांगों के रूप में आज ज्ञापन हमने ईवीएस मोजे को दिया है, जिसमें मुख्य मांग हमारा हस्ताक्षर अभियान है पुरानी पेंशन को लेकर के। दूसरी बात, शिक्षकों का जो शोषण किया जा रहा है और उनके निरीक्षण किए जा रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों जो हमारे ग्रेड पे से कम के लोग हैं वो हमारा निरीक्षण कर रहे हैं, इसके प्रति भी लोगों में आक्रोश था। वही हम सरकार से और अपने उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारा निरीक्षण जो है, जो हमसे उच्च ग्रेड पे के जो लोग हैं उनके द्वारा ही कराया जाए।